सबकी बकेट लिस्ट में एक जगह जरूर ऐसी होती है जहां आप फुर्सत से जाना चाहते हैं। मेरी लिस्ट में वो जगह थी अंडमान, जहां मिलती थी एक समय पर काला पानी की सजा। आज वो जगह ब्यूटीफुल वाइट सैंड बीच, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एंड वन ऑफ द पॉपुलर डाइविंग साइट्स है इंडिया में। क्या आपको पता है यहाँ पे रफली 570 आइलैंड्स है जिसमें से ओनली 36 आइलैंड्स आर ओपन फॉर द टूरिस्ट। तो चलो फिर साथ में चलते हैं इस ट्रिप पे, एक्सप्लोर करते हैं कुछ अलग वे में। एंड आप तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। दिस इज प्रीटी हॉट, एकदम से 31 डिग्री टेम्परेचर पे। बेसिकली अंडमान के एयरपोर्ट पे पहुंचकर अगर आप डबल वैक्सीनेटेड है तो आपको स्टैंप लगेगा वैक्सीनेटेड का और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रॉपरली चेक होगा। एंड इसे हम एयरपोर्ट से निकले, हमें मिल गए थे सनातन भैया एंड बहुत ही डिसेंट रेट में हमें ज़ाइलो मिल गई थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर होटल जिसका नाम है अद्व साहा रिसॉर्ट। पर उससे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ भैया से। हेलो भैया, मतलब कोई भी यहाँ पे आता है तो आप घूमने फिरने हाँ। गाड़ी सब कुछ आप करवा दोगे हाँ। ठीक है, तो मैं सनातन भैया के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो दैट आप जब भी अंडमान आ रहे हो, आपको कहीं भी जाना है, ही इज़ देयर फॉर यू। एंड अब हम चलते हैं सीधा अपने रिजॉर्ट की तरफ। Grab your coat and an open mind, 'cause when we do, we're wide as sky. So clap your hands and stomp your feet, and would you build something with me? एंड वी हैव रीच्ड अद्व साहा बीच रिजॉर्ट एंड बहुत ही अच्छी सी वाइब्स है, लाइक एंट्रेंस बहुत ही हरी भरी एंड यू नो सुंदर सी वाइब दे रही है। एंड इस गर्मी में बहुत ही अच्छी फीलिंग आई जैसे हमने एंट्री की। अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ एंड आई विल शो यू कैसी रूम है, क्या सर्विसेज है। तो ये सुंदर सा रूम है अद्व साहा का, प्रॉपर बैल्कनी, नाइस वॉशरूम्स एंड आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस रूम। अब जल्दी से खाना खाने चलते हैं as we are getting late for the sunset view at Chidiya Tapu Beach. Unfortunately, जब हम अपने होटल से निकले हमें स्कूटी भी नहीं मिल पाई आज की, बिकॉज यहाँ पर डे चार्ज होता है एंड ऑलरेडी 3 बज चुके थे तो हमें सेंस नहीं लगा स्कूटी लेने का। इतनी खुशी हो रही है, 40 रुपये में हम यहाँ पहुँच गए, वो भी AC बस में। एंड वो भी लकीली हमारा एक्चुअली जो मेन स्टे है वो यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर्स दूर है, बट अगर आप इस रोड पे ही रहते हो पीछे तो बस मेन रोड पे मिल जाएगी आपको इलेक्ट्रिक बस एंड खाली एकदम सॉर्टेड और आपको मेन चिड़िया टापू के पॉइंट तक पहुँचा देगी। अब जा रहे हैं हम सनसेट पॉइंट पे एंड अच्छा सा परफेक्ट टाइम है अभी। दिस इज़ द फेमस द चिड़िया द टापू द बीच। नाइस, थोड़ा सा क्राउडी है बट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अंडमान चिड़िया टापू। वैसे तो ये फेमस है फॉर न्यूमरस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ग्लोरियस ट्रेल्स एंड द सनसेट व्यू। डे 2 एंड आज हम जाने वाले हैं रॉस आइलैंड एंड अब हम वेट कर रहे हैं अपने होटल के बाहर बस का। हर आधे घंटे में एक बस आती है वैसे, बट अगर लक अच्छा रहा तो थोड़ी जल्दी आ जाएगी। रॉस आइलैंड जाने के लिए फेरीज 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, लास्ट फेरी अप्रॉक्स 3 बजे की होती है वापस पोर्ट ब्लेयर आने की। जैसे आप फेरी पॉइंट पहुंचोगे, बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लोग अप्रोच करेंगे, सो आप पर है कि अगर आपको सिर्फ रॉस आइलैंड जाना है आप एक घंटे में पहुंच सकते हो एंड एक घंटे में टूर ख़त्म हो जाएगा। आप इसके साथ नॉर्थ बे आइलैंड भी जा सकते हो जिसमें 2 से 2.5 घंटे के लिए रुकी जाएगी बोट। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है हम लोगों ने अभी एंड
प्राइजेस ऐसे है कि 770 रुपीज पर हेड है अप एंड डाउन फॉर बोथ दी आइलैंड्स, सो डिसेंट है वैसे तो. फुली कवर्ड, रेडी फॉर द बोट, लेट्स गो. सो वी हैव रीच्ड रॉस आइलैंड. 10 मिनट का ट्रॉली टूर था. पानी बहुत ही क्लियर एंड यू नो वाइब्रेंट एंड ब्लू कलर है एकदम क्लियर. एंड 10 मिनट भी नहीं लगे एक्चुअली. एंड यहाँ पे एंट्री फीस है 50 रुपीज़ की. एंड आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है भैया ने जैसे बताया. एंड चलते हैं अंदर एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस आइलैंड. एंड क्या ऐसा आइलैंड कभी देखा है जहाँ पे डियर्स और पीकॉक्स बहुत ही फ्रीली रोम कर रहे हैं. दिस वॉज वन ऑफ द की हाईलाइट्स ऑफ विजिटिंग द रॉस आइलैंड. इतनी ईजिली यहाँ पे डियर घूम रहे हैं एंड वी आर नॉट वेरी यूज्ड टू. आप रॉस आइलैंड खुद से भी डिस्कवर कर सकते हो या आप इस इलेक्ट्रिक गोल्फ कार में भी एक्सप्लोर कर सकते हो. 80 रुपीज पर हेड होगा एंड शेयरिंग में होगा, विच इज़ नॉट बैड बिकॉज कम टाइम में यू कैन हैव अ गुड लुक अराउंड दिस प्लेस. रॉस आइलैंड वॉज वंस द हेड क्वार्टर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, बट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था. एंड नाउ वी कैन सी द रुइंस ऑफ द आर्किटेक्चर एज इन द चीफ कमिश्नर्स हाउस, द चर्चेस, द शॉप्स, द लाइब्रेरीज. कैसी लगती थी यार ये सारी जगह? लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है कि एक पूरे बड़े पेड़ ने लाइक इट जस्ट इमर्ज्ड फ्रॉम द ग्राउंड. सो डिफरेंट. एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ पे धूप नहीं है, सो बहुत ही रिलैक्सिंग एंड सूदिंग सा लग रहा है यहाँ पर. रॉस आइलैंड में कोई स्टे नहीं कर सकता ना? नहीं है, कोई स्टे नहीं करता. सिर्फ नेवी का जो इंचार्ज लोग रहते हैं वही लोग रहते हैं, बाकी सब चले जाते हैं. हम लोग भी चले जाएंगे शाम होते ही. तो एक घंटे का ही होता है रॉस आइलैंड जो भी आता है ना एंट्री. अब टाइम हो गया था नेक्स्ट आइलैंड एक्सप्लोर करने का, सो वी लेफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ बे आइलैंड. नॉर्थ बे आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज द कोरल आइलैंड. अगर आपको पुराना 20 रुपीस का नोट याद है तो उसके पीछे माउंट हैरियट की फ़ोटो होती थी एंड जो लाइट हाउस होता था दैट इज़ फ्रॉम द नॉर्थ बे आइलैंड. तो हम पहुंच गए नॉर्थ बे आइलैंड एंड यहाँ पर बेसिकली वाटर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सब स्कूबा एंड स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं. वैसे तो कुछ खास लग नहीं रहा है बट यहाँ का वाटर बहुत क्लीन है कंपेरेटिवली. अब हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने एंड वी हैव आई थिंक अराउंड 3 आवर्स इन नॉर्थ बे आइलैंड. अभी हम आ गए हैं अंडमान के नॉर्थ बे आइलैंड पे जो कि फेमस है फॉर इट्स कोरल एंड मरीन लाइफ. अगर आप जस्ट विजिट करने आ रहे हो तो आई एम नॉट श्योर लाइक, क्योंकि यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए बोट रुकती है, तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट. बट डेफिनेटली इफ़ यू आर इनटू वाटर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ दिस इज़ योर प्लेस. यू कैन हैव शॉप्स एंड यू कैन चिल अराउंड, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आई थिंक वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. अदरवाइज अभी हम थोड़ा सा चिल कर रहे हैं. 3 बजे हमारी बोट निकलेगी यहाँ से टुवर्ड्स पोर्ट ब्लेयर. नॉर्थ बे से निकलते ही वी रीच द प्रॉपर्टी टू चिल एंड एंजॉय दिस इवनिंग. काफी अच्छा सा है रिजॉर्ट.
अगर आपको बीच पे नहीं जाना है एंड धूप बहुत ज़्यादा है जैसे कि अभी हो रखी है, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है विच यू कैन डू। लाइक मेरे को यहाँ पर डार्ट दिख रहे हैं, स्विंग दिख रहे हैं, क्रिकेट खेल सकते हो, पूल में जा सकते हो। सो स्वीट। ओके नाइस। और क्या चाहिए? बेसिकली प्रॉपर्टी 6 मंथ्स पहले खुली है तो काफ़ी नया नया सा आर्किटेक्चर है एंड बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। एंड यहाँ पे प्रॉपर लाइक प्राइवेट बीच है। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं थोड़ा सा शाम हो जाए बिकॉज बहुत धूप हो रखी है अभी। मीन वैन मैं इस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम लविंग इट। सही नहीं है ना की रियल एंजॉय नारियल लाके गिरा तो हाँ सर अलग हो जाएगा ना, सर की जगह नारियल आ जाएगा। ये निकलता ये क्या है? ये इसको खाने का ये। अच्छा ये बहुत मीठा होता है। और इसको तो फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं रोस्ट करके फिर इसमें से काजू निकल जाता है। ओके हाँ खुशबू भी इसकी बहुत सही है। This resort also have an access to a private beach and ye sunte hi I was super excited to witness that part and just explore it. Private beach jaate hue hame mil gaye the Advasa resort ke owner and he had some interesting stories to share with us. So chaliye fir unse baat karte hain and let's hear his part. Hello namaste ji, aapka naam kya hai? मेरा नाम विकास लाल पटेल। विकास लाल पटेल जी, और आप अद्वसा के ओनर है? जी जी अद्वसा। नाइस। तो सर आपकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली बहुत सुंदर है, लाइक हम इतने 2 दिन से रुक रहे हैं, लाइक अडोर कर रहे हैं। तो पूरा अंडमान का जो ऐसा है कि हम ऐसे मानते हैं कि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं वो एक मतलब जो आए हुए हैं सभी माइग्रेटेड है, कोई यहाँ के ओरिजिन नहीं है। इवन यहाँ के जो ट्राइब्स भी है वो मानना है कि वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन ट्राइब्स ही यहाँ पे माइग्रेट होकर आए हैं। ये एक्चुअली हम तो आए थे, हमारे जो दादाजी के पिताजी जीतू पटेल 10 मार्च 1858 को आए थे। जो पहला जो चत्ता आया था तो उसमें हमारे जो जेल के रिकॉर्ड में 218 नंबर पे हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम है। ओके। तो अब उसके बाद में बस हमारी 7वीं पीढ़ी है और हम अगर आप 7th जनरेशन है तो उस टाइम से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं? जो कि है ना वो स्टोरी ऐसा है कि हम लोग यूनाइटेड इंडिया से आए थे। देखिए अंग्रेज जब यहाँ पर लेकर आए तो उनको एक तरह का मतलब ओपन जेल में रखे हुए थे। ओपन जेल यानी मतलब उनको पूरा बेड़ियों से जकड़ कर अब छोड़ देते थे, आप यहाँ के जो जंगल को काटिए उसमें खेती करिए और उनके लिए मतलब कुछ पैदावार करिए जिससे कि वो खाए पिए, क्योंकि यहाँ से आना जाना तो कोई मतलब आसान काम नहीं था, कम से कम एक महीने का वॉयज होता था। तो इसलिए हम यहाँ पे उनको खेती करने के लिए कुछ कुछ ज़मीनें दिया गया था और उससे वो चाहे लाइफ स्टॉक थे मतलब डेयरी का ये सारे चीज़ें वो करते थे। मैं पूछ रही थी कि अंडमान में टूरिज्म जैसे कब से है, लाइक उससे पहले किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते थे, फिर टूरिज्म अगर अभी मेन आया कितने सालों से आया है? टूरिज्म तो अगर देखे जाए तो ना मतलब सबसे ज़्यादा इसको बूस्ट मिला है तो सुनामी के बाद। अच्छा। एक्चुअली सुनामी जैसे होता है ना डिजास्टर टूरिज्म होता है ना, तो वो एक मतलब होता है ना मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलते हैं, तो वही हुआ। मतलब वर्ल्ड मीडिया में आया कि अरे हाँ ऐसे एक अंडमान में भी ऐसे जगह है, तो फिर वो उसके बाद में लोग उसको देखने के लिए काफ़ी लोग आए 2004 के बाद में। अच्छा। इंडिया में ये जो फ्लाइट का भी ना एयर डेक्कन शुरू हुआ था याद रखिए, तो उन्होंने जो मतलब आम लोगों को भी मतलब जैसे कि मतलब जो फ्लाइट का जो अदरवाइज सब जहाज में आना तो वो तो काफ़ी 4-5 दिन लगता था, तो लोग ऐसे ही 4 दिन के लिए अगर वॉयज में जा रहा है फिर नेक्स्ट 4 दिन फिर से अगर वॉयज में जा रहा है तो आपका फिर टूर प्रोग्राम तो बहुत लंबा होना। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब वापस आएंगे पक्का। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। थैंक यू। इस एपिसोड को यहीं एंड करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट एपिसोड में वी विल गो टू द हैवलॉक आइलैंड एंड सम स्पेशल गेस्ट विल जॉइन अस इन आवर ट्रिप। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।